हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभा खत्री आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, पालक पनीर की सब्जी। पालक पनीर तो हम सब बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने इसे बहुत ही इजी मेथड में बनाया है। आप इस तरह से सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम बनाते हैं वेरी डिलीशियस पालक पनीर। आज हम बहुत ही इजी मेथड में पालक पनीर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें जिन सामग्री की आवश्यकता है वो इस तरह से है। पालक पनीर बनाने के लिए पहले मैंने लिया है पालक। पालक मैंने 250 ग्राम लिया है और उसे साफ करके और वॉश कर लिया है। फिर पनीर लिया है मैंने, लगभग 100 ग्राम पनीर लिया है, उसे इस तरह से डाइस में काट लिया है। एक ऑनियन लिया है, उसे मैंने पीस लिया है। इसे मैंने बॉयल भी नहीं किया है, इसे कच्चा ऑनियन मैंने पीस लिया है। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनती है इस तरह से बनाएंगे तो। टोमेटो को भी मैंने कच्चा ही पीस लिया है। फिर मैंने घर की मलाई ली है 2 टेबल स्पून, आप इसकी जगह क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मैंने खड़े मसालों में तेज पत्ता और रेड चिली ली है, सूखी लाल मिर्च। फिर ग्रीन चिली मैंने 1 टेबल स्पून ली है, इसमें ग्रीन चिली ज़्यादा जाती है इसलिए ये लेना है ज़्यादा। फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, पिंच मैंने हींग ली है, गरम मसाला मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है, सॉल्ट हमें टेस्ट के अनुसार लेना है और 1/2 लेमन का जूस लेना है हमें। सब्जी बनाने के लिए हमें कुकिंग ऑयल की जरूरत होगी। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक को बॉईल करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पानी को पहले ही बॉईल करने रख दिया था। अब इसमें मैं पालक डाल दूंगी। पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है हमें, क्योंकि पालक में मिट्टी भी बहुत होती है। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल यूज करे तो उसे अच्छी तरह वॉश करना बहुत जरूरी है। मैंने पालक को बॉइल वाटर में डाल दिया है, इसे सिर्फ मैं 5 मिनट तक बॉइल करूंगी, बहुत ज्यादा बॉइल नहीं करूंगी। मैंने फ्लेम हाई कर दी है। अब 5 मिनट हो चुके, हमारा पालक बॉइल हो चुका है। अब मैं गैस बंद करके और इसका सारा पानी निकाल दूंगी, इसे ड्रेन कर दूंगी। देखिए, पालक को मैंने ठंडा करके और उसकी प्यूरी बना ली है। एक बाउल प्यूरी बन गई है हमारी पालक की, इसे बारीक पीस लिया है मैंने। अब हम सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने पैन गरम करने रख दिया है, उसमें 2-3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाए उसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे, पत्ते डाल देंगे और रेड चिली डाल देंगे। अब पत्तों में से हल्की सी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें ऑनियन डाल देंगे, ऑनियन का पेस्ट जो हमने रेडी किया था। ऑनियन के पेस्ट के साथ ही हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे, ताकि ये भी कच्चा ना रहे। ऑनियन, जिंजर और गार्लिक को अच्छी तरह से पका लेना है हमें, क्योंकि ऑनियन हमारा कच्चा है। अब देखिए, ऑनियन के पेस्ट में ऑयल छोड़ दिया है, ये पक चुका है। अब इसी टाइम पे इसमें हम टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। टोमेटो प्यूरी को भी अच्छी तरह पका लेना है हमें 1 मिनट तक। अब ऑनियन, गार्लिक और टोमेटो अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम ड्राई मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम हींग का पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, रेड चिली पाउडर डाल देंगे, साथ ही साथ इसमें हम ग्रीन चिली भी डाल देंगे क्रश करी हुई। अब इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। सॉल्ट हम अभी नहीं डालेंगे, पहले मसाले में प्यूरी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अब ये मसाला जब तक तेल छोड़ दे तब तक पकाना है हमें। अब आप देख सकते हैं हमारा मसाला पूरी तरह से पक चुका है, ऑयल छोड़ दिया है इसने। अब इस टाइम पे हम इसमें पनीर डाल देंगे। लोग पनीर अक्सर लास्ट में डालते हैं, लेकिन हम अगर मसाले में पनीर डालेंगे तो पनीर अच्छी तरह से मसालों को सोख लेगा और फिर उसका टेस्ट फीका फीका नहीं आएगा। इस तरह से करने से पनीर अच्छी तरह से कोट हो जाता है मसालों से, एक तरह का मैरिनेशन हो जाता है इसका। देखिए, पनीर और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं अब हमारे। अब इसमें हम पालक की प्यूरी डाल देंगे।
इसे भी मिक्स कर देंगे। अब इस टाइम पे इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, हमने जो पालक पीसा था वही पानी डालूंगी मैं इसके अंदर। जिसे ज़्यादा लिक्विड रखनी है ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। अब देखिए पानी डाल के मैंने इसमें एक उबाला ले लिया है। अब इसमें इस टाइम पे हम मलाई डाल देंगे, सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, लगभग हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया है मैंने। गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से सब्जी को। आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना अच्छा आ गया है, सब्जी एकदम क्रीमी और ग्रीन कलर की हो गई है, एकदम होटल के जैसी। अब इसमें एक उबाला ले लेंगे। अब देखिए सब्जी में बॉईल आ गया है। अब लास्ट में मैं गैस बंद कर दूंगी और लेमन जूस ऐड कर दूंगी इसमें। तो देखिए हमारी पालक पनीर की सब्जी रेडी है ना, एकदम इजी मेथड। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। अब सब्जी को मैंने एक बाउल में ले लिया है, इसे गार्निश कर दूंगी मैं थोड़े से ग्रेट किए हुए पनीर से। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है एकदम जल्दी से बन जाने वाली हमारी पालक पनीर की सब्जी। इसका टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट जैसा आएगा, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।